जी दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, हमारे पेज पे। लो दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं जो जानकारी इटली के नॉमिनों के जो पेपर होते हैं वो खुलने का समय आ चुका है दोस्तों, क्योंकि इस महीने के अंत में और या अगले महीने के शुरू में पेपर खुलने वाले हैं, इसलिए आपको जानकारी देनी ज़रूरी थी। दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो बात करते हैं नौमीने वालों वाले पेपरों की। तो दोस्तों ये जब खुलते हैं तब एजेंटों की चांदी हो जाती है, इसलिए आपको एजेंटों से सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आज हम दोस्तों आपको बताएंगे कि एजेंटों से सावधान कैसे रहना है। नंबर एक, तो दोस्तों आप किसी एजेंट को अपना ओरिजिनल पासपोर्ट मत देना, क्योंकि जब पेपर भरने के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और नंबर दो, अगर आपसे पैसे पहले मांगते हैं एजेंट, वो मांगते ज़रूर हैं क्योंकि उनको भी कोई सिक्योरिटी चाहिए होती है, जैसे कि कल को आपके पेपर निकल आएँ, आप मना आनीकानी कर दें, मना कर दें पेपर लेने के लिए, उनके पास पैसे पहले आ जाते हैं, जितना खर्चा हो जाता है, इसलिए एजेंट पहले पैसे मांगते हैं। ठीक है, पैसे दे देना पहले आप, लेकिन बात कर लेना कि अगर भगवान ना करे आपके पेपर नहीं निकले तो उनमें से कितने पैसे वो काट कर आपको वापस लेने की गारंटी आप उनसे ज़रूर बात कर लेना, चाहे आपका एजेंट है चाहे आपका कोई रिश्तेदार है, ये बात आप उनसे ज़रूर कर लेना। अगली बात दोस्तों ये है कि जब आपके पेपर भरे गए, एजेंट से और रिश्तेदार से ये बात ज़रूर क्लियर कर लेना कि जब पेपर भरेंगे उनका एक रसीद होती है, रसीद पेपरों की, जिनको ऋषि बूता बोलते हैं इधर इटली में, आपने वो ज़रूर मांगनी है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको ऋषि बूता नहीं देता कोई, आपको पहले पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप पैसे पहले तभी देना जब आपको आपका रिश्तेदार या दोस्त, जिसने भी पेपर भरे हैं या एजेंट है, वो ऋषि बूता देगा, तभी आप पैसे पहले जो देने हैं वो देना। दूसरी बात दोस्तों ये ख्याल रखना है कि जब उससे बात करनी है अपने रिश्तेदार दोस्त से या एजेंट से, कि जब इधर आ जाते हो आप, आपके पेपर निकला या आप इधर आ गए और जब पहली बार इधर पेपर जमा करवाते हैं आपको इधर का रेजिडेंस परमिट लेने के लिए, उसका खर्चा किसका होगा, एजेंट का या आपका, ये बात आप एजेंट से या रिश्तेदार से क्लियर कर लेना, क्योंकि दोस्तों उस पर भी बहुत खर्चा आ जाता है इधर पेपर जमा करवाने के लिए। और दोस्तों ये एक बात का और ख्याल रखना, अगर आपको पक्का यकीन है कि आपके पेपर निकल आएंगे, आप इंडिया में ही कोई इटली सीखने की कोशिश ज़रूर करना, थोड़ी बहुत सीख लेना जितनी कि इधर काम आ सके, इधर की हेलो हाय वगैरह, मालिक से बात करने का तरीका थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। सीखने के लिए इटालियन सीखने के लिए दोस्तों आपको यूट्यूब पर बहुत चैनल मिल जाएंगे जो बहुत इधर इटालियन की क्लासें लगाते हैं चैनल, उस पर जाकर आप सीख सकते हो। इतनी सी बात सी दोस्तों के इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है अगर पेपर भरवाने हैं किसी से, तो चाहे आपका रिश्तेदार है चाहे कोई दोस्त है चाहे कोई एजेंट है, इन बातों का जरूर ख्याल रखना। बाकी दोस्तों वीडियो इतनी ही थी और हम आपके लिए नई वीडियो और लाते रहेंगे, पेपरों के बारे में जानकारी आपको देते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लेना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।